नमस्कार दोस्तों, डीके स्टूडियम डिज़ाइन में फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और आज जो है आपके लिए काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान लाया है 30 फीट बाय 50 फीट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है एक्सटीरियर डिज़ाइन बनाया है, मतलब 30 फीट बाय 50 फीट में ये जो है पूरा जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था। इसका पूरा डिटेल प्लानिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ 3D इंटीरियर व्यू कट के साथ, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है मॉडल है और इस टाइप में ये जो है पूरा जो है डिज़ाइन दिख रहा है, कॉर्नर व्यू है। और इसके डायमेंशन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ 30 फीट बाय 50 फीट, मतलब लगभग 1500 स्क्वायर फीट में जो है ये पूरा जो है कंस्ट्रक्शन बैठ जाएगा। और आजू बाजू में कुछ जगह छोड़ना पड़ेगी आपको वेंटिलेशन के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 फीट बाय लगभग 150 फीट 9 इंच जो है पूरा जो है कंस्ट्रक्शन एरिया है, ठीक है, मतलब 30 फीट बाय 50 फीट, 1500 स्क्वायर फुट। फ्रंट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पर पार्किंग भी बताया गया है। पहले हम कॉलम का पोजीशन खड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है हमारे कॉलम्स रहेंगे और उसके बाद में आउटर वॉल जो है हमारी 9 इंच की रहेंगी। तो फटाफट से हम आउटर वॉल हमारी 9 इंच की बना लेते हैं। अंदर की वॉल जो है कुछ वॉल हम 9 इंच की बना लेंगे, कुछ वॉल जो है हम अंदर की 4 इंच की बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है आउटर वॉल हम बना लेते हैं। सबसे पहले नीचे जो पीछे के साइड में जो है हमारा वो एक बेडरूम है। पूरे डायमेंशन आपको समझने वाला हो। फ्रंट साइड में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम दिया गया है और ये हमारा स्टेयरकेस रहेगा, अंदर से यूज़ होगा। अगर हम चाहें तो इसे अंदर और बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। लैंडिंग के नीचे से हमको एक गेट रखना पड़ेगा, उसके बाद में हम वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। दोनों साइड से एंट्री कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल किराए के हिसाब से देना हो तो कोई भी दिक्कत ना हो। इस टाइप में ये स्टेयरकेस हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में हमने वरांडा छोड़ा गया है, वहाँ पर भी कुछ वॉल हम खड़ी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक वॉल है, बाद में ये पीछे की साइड की वॉल है और ये राइट साइड की वॉल है, ठीक है। अब ये फ्रंट साइड की वॉल है, ये भी खड़ी कर लेते हैं। बाहर की वॉल हमने लगभग 9 इंच के लिए है पूरे के पूरे, और अंदर के वॉल जो है कुछ वॉल जो है हमने 9 इंच के लिए है, कुछ वॉल 4 इंच के लिए, क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम का जो बीच का पार्टीशन जो रहता है, बेडरूम और एक रूम और टॉयलेट का, तो उसको जो है हम 9 इंच की वॉल बना लेते हैं, क्योंकि उसका जो आवाज़ है वो फ्लश वगैरह जो रहता है उसका आवाज़ की वजह से इस बेडरूम में डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं पूरा जो है हमने जो है वॉल लगभग खड़ी कर ली है। स्टेयरकेस का जो है आप देख सकते हैं स्टेयरकेस जो है सेपरेट दिए गए हैं। और चलिए स्टेयरकेस खड़ी कर लेते हैं किस टाइप में रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है हमारी स्टेयरकेस रहेगी। इसके नीचे का नीचे जो है अगर अंदर से यूज़ करना है, बाहर से पैक करना है, तो नीचे का पोर्शन हम स्टोर रूम के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर हमको रखना है तो बाहर से ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वरांडा है, चलिए पूरे डिटेल डायमेंशन समझ लेते हैं। 5 फीट बाय 17 फीट 8 इंच का जो है एक बड़ा सा वरांडा है फ्रंट साइड में। राइट साइड में 10 फीट बाय 8 फीट का पार्किंग है, इसके अलावा भी फ्रंट में भी पार्किंग रख सकते हैं। यहाँ पर हॉल से एंट्री होती है हमारी। हॉल का साइज़ है 15 फीट 9 इंच बाय 14 फीट का, जो काफ़ी बड़ा है। टीवी यूनिट बताया गया है फ्रंट वाली वॉल पर और इधर सोफा सेट। तो यहाँ पर 4 फीट का आर्च है। यहाँ से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 3 फीट का एक डोर रहेगा। यहाँ से हम किचन में एंट्री करेंगे। देखिए किचन का जो साइज़ बताया गया है 12 फीट 5 इंच बाय 15 फीट का है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसमें एक पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है 4 फीट बाय 3 फीट का। एक स्टोर रूम भी एडजस्ट किया गया है जो किचन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में इसका विंडो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राइट साइड में एक बेडरूम है हमारा, फर्स्ट वाला बेडरूम है, जिसका साइज़ हमको मिलता है लगभग 11 फीट 5 इंच बाय 12 फीट का। लेफ्ट साइड में जो है हमारी स्टेयरकेस है, जैसे कि हमने आपको बताया था 3 फीट 3 इंच जो है इसका विड्थ है स्टेयरकेस का। अंदर लगभग 6 फीट 10 इंच है। उसके बाद में पीछे साइड में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक बेडरूम है हमारा, ये मास्टर बेडरूम है, 12 फीट बाय 12 फीट का इसका साइज़ बताया गया है। और पीछे साइड में विंडो लगा सकते हैं, क्योंकि आजू बाजू में जगह छोड़ी गई है तो विंडो हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। और इसमें एक अटैच्ड वाला बाथरूम भी दिया गया है 7 फीट बाय 5 फीट का, और एक ड्रेसिंग भी एडजस्ट किया गया है। पूरे डिटेल डायमेंशन भी आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहे हैं, डोर्स के विंडोज़ के पोजीशन पूरे डिटेल डायमेंशन भी हमने बताया है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, पीछे एक साइड में दिया गया है। टॉयलेट जो है 4 फीट बाय 4 फीट का, बाथरूम है 7.5 फीट बाय 4 फीट का, जो काफ़ी बढ़िया एरिया है। पीछे एक साइड में वॉश एरिया छोड़ा गया है।
मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह सुखाने के लिए पीछे की साइड में वॉश एरिया छोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोर रहेगा और ये बाहर की पीछे की साइड रहेगी। काफ़ी बड़ा वरांडा है, 16 फीट 2 इंच बाय लगभग 7.5 फीट का। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं पूरा पूरा जो है प्लानिंग हमने बनाया है 30 फीट बाय 50 फीट में। ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।